गुड इवनिंग टू ऑल स्किन डिसऑर्डर के अंदर जो प्रीवियस क्लास के अंदर क्या हुआ था कुछ पैनल हैंग होने की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था आज अपन वापस इसको पढ़ते हैं एक्जिमा के बारे में क्या होता है एक्जिमा क्या क्या कारण है कितने प्रकार का होता है उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट कैसे करते करेंगे एक्जिमा की कंडीशन में नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे देखिएगा बच्चों सबसे पहले बात करते हैं एक्जिमा सुपरफिशियल स्किन की एक्यूट या क्रॉनिक इंफ्लॉमे डिजीज है जिसमें स्किन पर रेडनेस दिखाई देती है खुजली चलती है छोटे छोटे पेपुल्स एवं बेसिकल्स का निर्माण होता है जो एक्जिमा है वो डरमेटाइटिस के जैसा ही कंडीशन होती है ये तो एक बेसिक एक्जिमा की डेफिनेशन हो गई। एक सुपरफिशियल स्किन डिसऑर्डर होता है सुपरफिशियल स्किन डिसऑर्डर होता है, स्किन की दिक्कत है इसके अंदर एक्जिमा एक डिजीज है एक्यूट का मतलब हाथों हाथ होने वाला क्रोनिक मतलब लंबे समय से स्किन के ऊपर होने वाले इन्फेक्शन, संक्रमण स्वेलिंग सूजन खुजली इचिंग ये कंडीशन है तो ध्यान रखना है एक्जिमा क्या है एक सुपरफिशियल स्किन की एक्यूट या क्रॉनिक इंफ्लेमेटरी डिजीज है स्किन पर रेडनेस दिखाई देती है इचिंग होती है और स्किन के ऊपर पेपल्स और वेसिकल्स का फॉर्मेशन होते हैं मतलब स्किन के ऊपर उभरा हुआ पार्ट होता है पेपल्स होता है उसके बाद में उभरे हुए पार्ट के अंदर पानी भरा रहता है इसका मतलब होता है वेसिकल्स कंडीशन उत्पन्न होती है यदि मैं कहूं कि एक्जिमा एक डर्मिटाइटिस जैसी कंडीशन है डरमेटाइटिस इंफ्लामेशन ऑफ द इसका मतलब होता है इंफ्लामेशन ऑफ डर्मिस लेयर, डर्मिस लेयर ऑफ स्किन स्किन की डर्मिस लेयर है उसके अंदर इंफ्लामेशन हो जाता है इसको बोलते हैं डर्मेटाइटिस। तो एक्जिमा एक डर्मेटाइटिस एक जैसी कंडीशन है इसके अंदर एक सुपरफिशियल स्किन के अंदर होने वाला इंफ्लामेशन है सूजन है स्वेलिंग है जिसके अंदर रेडनेस देखने को मिलती है उस स्किन पे इचिंग आता है खुजली आता है उसके साथ साथ में जो पेपल्स और वेसिकल्स जैसे रेसेज का फॉर्मेशन होता है पेपल्स के अंदर उबरा हुआ स्किन का पार्ट होता है वेसिकल्स के अंदर उबरा हुआ पार्ट है उसके अंदर पानी भरा हुआ रहता है तो ये कंडीशन होती है एक्जिमा के अंदर एक्जिमा के बारे में क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक्जिमा इज ए डिवाइडेड इन द टू पार्ट सबसे पहले है एक्जिमा और एंडोजीनस एक्जिमा एक्जोजीनस के अंदर इरिटेंट एक्जिमा होगा उसके बाद में एलर्जी कॉन्टेक्ट एक्जिमा देखने को मिलेगा उसके बाद में एंडोजेनस एक्जिमा के अंदर क्या होगा एक्टोपिक एक्जिमा सिबोरियस एक्जिमा नुमुलर एक्जिमा स्टेटिस एक्जिमा पोंफोलिक्स एक्जिमा तो इसके बारे में एक बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे इसमें ज्यादा कुछ डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्या मतलब होता है उसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले इरिटेंट एक्जिमा किस कारण से उत्पन्न होता है ये एक्जिमा कुछ विशेष प्रकार के इरिटेंट जैसे केमिकल्स है केमिकल्स होते हैं कई ऐसे केमिकल्स डाइज होते हैं जो डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज के अंदर काम में लिए जाते हैं डाइज किसी भी प्रकार की बीमारी को डायग्नोसिस करने के लिए लिया जाता है काम में लिया जाता है हाँ प्रवीण जी 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 हाँ, हम्म हम्म, हम्म 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 मैं आ, कल मैं देखता हूँ और निकालते हैं जान पहचान करते हैं कुछ मैं देख लिया हूँ जी हम्म ठीक ठीक मैं करता हूं आपको सुबह मॉर्निंग में बात करता हूं क्योंकि अभी मेरा क्लास चल रहा है ठीक है ना हाँ मैं करता हूं अब देखिएगा कई ऐसे केमिकल्स होते हैं कॉस्मेटिक आदि के संपर्क में आने की वजह से होता है इरिटेंट एक्जिमा ये स्ट्रॉन्ग इरिटेंट कम समय के लिए कांटेक्ट में आने वाली क्रोनिक रिएक्शन उत्पन्न करते हैं जबकि वीक रिएंट वीक इरिटेंट दीर्घकालीन एक्सपोजर के बाद में क्रोनिक एक्जिमा उत्पन्न करते हैं ठीक है ना तो बस इरिटेंट एक्जिमा के अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि कई प्रकार के केमिकल्स हैं डायग्नोसिस बीमारी का डायग्नोसिस करने के लिए यूज होने वाली डाइज हैं कॉस्मेटिक्स पदार्थ होते हैं उसके संपर्क में आने की वजह से क्या होता है इरिटेंट एक्जिमा होता है स्किन का खुजली आना रेडनेस होना यह देखने को मिलता है दूसरा है एलर्जी कॉन्टेक्ट एक्टर्जी आईवीपी सुमक ओक आदि के संपर्क में आने से उत्पन्न होता है उदाहरण के तौर पे वॉच ब्राकलिफ्स एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरीज में मौजूद निकल के कारण करमस, एंड कलर पर पर कॉलर होने वाली एक्जिमा इसी प्रकार की रबर ग्लोव के कारण हैंड एंड ब्रिस्ट पर एक्जिमा उत्पन्न होते हैं तो ये भी एक एलर्जिक इरिटेंट एक्जिमा है जो एलर्जिक कॉन्टेक्ट एक्जिमा है वो भी इस प्रकार से यूज करने वाले कई प्रकार के जो एलर्जेंस होते हैं एलर्जन का मतलब क्या हुआ एलर्जी को प्रोड्यूस करने वाले कारक कौन कौन से हैं पॉइजन आईवीपी सुमक है ऑक है ये क्या करते हैं एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं कई ऐसी ज्वेलरी से उसकी वजह से भी स्किन के ऊपर क्या होता है रेडनेस है ये देखने को मिलता है एटोफिक एक्जिमा ये छह माह से पूर्व छह माह से पहले की उम्र में शिशु में स्टार्ट हो जाती है इसमें स्किन रेड रफ हो जाती है खुजली चलती है स्किन में बारीकी बारीकी की दरार फटन हो सकती है इसमें से सीरम रिसने लगता है जिसमें सूखने पर पपड़ी बन जाती है ये कंडीशन होती है एक्जिमा इस प्रकार की एक्जिमा में सिबेसियस ग्लैंड से अधिकांश सिक्रेशन आते हैं जिसकी शुरुआत स्काल्प से होती है और धीरे धीरे कनफर्टी तथा कौन आ, कानों के पीछे नीचे गर्दन तक फैलता है ध्यान रखना है कि कौन सी जगह पे क्या होता है उसके बाद में नूमुलर एक्जिमा इस प्रकार के एक्जिमा में लेसिन, ओवेल या के के हो जाते हैं टांगों के घुटनों के नीचे वाले भाग हाथ की अंगुलियां आदि में उत्पन्न अंगुलिया गंभीर मामलों में ये थाई अपर आर्म ट्रंक आदि पर उत्पन्न हो सकते हैं ये कंडीशन हमेशा ओजिंग या क्रस्टेड स्थिति में होती है तो नुमुलर एक्जिमा भी ये देख लेना उसके बाद में स्टेटिस एक्जिमा ये वेनस इनसफिशियंसी के कारण लोअर लेग में उत्पन्न होते हैं वेनस इनसफिशियंसी का मतलब हुआ कि जब ब्लड होता है वो वेन के द्वारा ऊपर जाता है फ्लो करता है आता है जाता है तो ऐसी कंडीशन में उनके वाल के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से वेन के अंदर जो ब्लड नहीं जा पा रहा है और ब्लड एक जगह स्टोरेज हो जाता है स्टेसिस कंडीशन कहलाती है रन नहीं कर पाता है ब्लड और उसकी वजह से लॉन्ग टाइम से ब्लड उस जगह के रहने पे क्या होता है एक्जिमा होगा स्किन रेडनेस होगी उसके बाद में है पोम्फोलिक्स एक्जिमा इस प्रकार के इडिमा में सॉरी एक्जिमा में हाथ की अंगुलियां एवं हथेलियों के पीछे साइड में वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है इस प्रकार की वेसिकल्स टोज एंड फीट में भी सेम पोजिशन में बन जाते हैं ये वेसिकल्स इजली रफसर नहीं होते परंतु दानों के रूप में कुछ समय तक उभरी हुई रहती है ठीक है तो पोमफोलिक्स एक्जिमा इसकी मैं इमेज आपको दिखाऊंगा सभी प्रकार के अलग अलग एक्जिमा के बारे में आप देखोगे कि देखो स्किन के ऊपर जो रेसेज देखने को मिलते हैं रेडनेस देखने को मिलती है वो कई कई जगह पे अलग अलग प्रकार की होती है तो यही है अलग अलग प्रकार के कौन सी जगह पे कौन किस टाइप के रेसेज है ग्रुप में है दो दो है चार चार है है ना आ, कोई पपड़ी के रूप में है कई उभरा हुआ पार्ट्स होता है तो यही एक्जिमा के क्या है फार्स उसके बाद में कई ऐसे जोखिम भरे कार्क जिसके अंदर यहां से आपको ध्यान रखना है इम्पोर्टेंट है कि किस कारण से एक्जिमा डर कंडीशन उत्पन्न हो सकती है सबसे पहले इरिटेंट होते हैं जैसे केमिकल्स है डाइज है डिटर्जेंट है कॉस्मेटिक जो इंस्ट्रूमेंट है आर्टिकल्स है इसके संपर्क में आने से होता है आपने देखा होगा कि कई लोगों को कई ज्वेलरी पहनने से भी स्किन रेडनेस हो जाती है स्किन के ऊपर खुजली आती है इचिंग होता है। किसी एलर्जन जैसे पॉइजन आईवीपी सुमक है ओक है आदि के संपर्क में आने से कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिसकी वजह से टच करने से एलर्जी उत्पन्न होती है कई ऐसा एनवायरमेंट की वजह से भी कई पर्सन को एक्जिमा इीमा हो सकता है एलर्जन कंडीशन हो सकती है अस्थमा है हे फीवर है एक्जिमा आदि की पर्सनल या फैमिली हिस्ट्री हो ऐसे पर्सन जिसको अस्थमा है या हे फीवर है उनकी फैमिली के अंदर है तो हेरिडिटी कंडीशन भी हो सकती है एलर्जी उत्पन्न हो सकती है फूड एलर्जी की उपस्थिति कुछ दवाइयां जैसे पेनिसिलिन है स्टेप्टोमाइसिन है के कारण होने वाली एलर्जिक रिएक्शन तो ये क्या है ये कैजुटिव ऑर्गेनिज्म है या एलर्जी होने वाले रिस्क फैक्टर है जो ये यूज करेंगे कॉस्मेटिक पदार्थ है या इस प्रकार से ये यूज करने की वजह से पहनने की वजह से खाने की वजह से एलर्जी उत्पन्न हो सकती है एक्जिमा हो सकता है स्किन का इंफ्लामेशन रेडनेस स्वेलिंग सूजन आ सकती है उसके बाद में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे जब एलर्जी कंडीशन होती है रेडनेस होती है स्किन का इंफ्लामेशन होता है तो सबसे पहले रेडनेस ऑफ द स्किन यह लक्षण देखने को मिलेगा स्किन रेड हो जाएगी इचिंग खुदरी आएगी स्किन में सूजन आएगी स्किन ड्राई हो जाएगी उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स एंड फेपिल्स स्किन के ऊपर उबरा हुआ पार्ट रहेगा उसके बाद में स्किन के ऊपर उबरा हुआ पार्ट है उसके अंदर पानी भर जाएगा वेसिकल्स फेपुल्स कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी स्किन के ऊपर रेसेज का फॉर्मेशन होगा वेरियस टाइप के रेसेज मोस्टली इसमें पेपुल्स और वेसिकल्स के फॉर्मेशन होगा बर्निंग सेंसेशन होगा जलन होगा एटोपिक डर्मेटाइटिस के दौरान मेनली अफेक्टेड स्किन एरिया फुट ऑफ द आर्म ब्रिस्ट फेस हैंड बैक ऑफ द नी आदि एटोपिक डर्मेटाइटिस एक पर्टिकुलर जगह पर इसके बाद में सिबोरियस डर्मेटाइटिस के दौरान डेंड्रफ तथा तो हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है तो ये एक बेसिक लक्षण है एक्जिमा के अंदर उसके बाद में बात करें डायग्नोसिस के बारे में बात करें किस प्रकार से डायग्नोसिस करेंगे कि ये बीमारी है उस वजह से होती है जब अच्छी तरीके से तरीके से डायग्नोसिस हो जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट करना संभव है रोगी में मौजूद क्लिनिकल मैनिफेस्टिवेशन फिजिकल एग्जामिनेशन पेट टेस्टिंग, टू एलर्जन, फ्रिक टेस्टिंग बायोप्सी एग्जामिनेशन तो ये कुछ एग्जामिनेशन टेस्ट होते हैं उसकी वजह से मालूम किया जाता है उसके बाद में मैनेजमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एक है मेडिकल मैनेजमेंट एक है नर्सिंग मैनेजमेंट तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर एलर्जन पदार्थों से दूर रहना स्किन पर मॉइस्चराइजिंग एजेंट का यूज करना कोर्टिकोऑस्ट्रॉइड्स जिसके अंदर हाइड्रोकोर्टिकोसोन, बीटा मेथेसोन, टॉफिकल इम्यूनोसप्रेसेंट, जिसके अंदर पिमेक्रोलिमस, उसके बाद में है टेक्रोलिमस, एंटीस्टामिनस, लिवोसिट्रिज़न, एंटीबायोटिक्स, जिसके अंदर आएगा सिफ्रोफ्लोक्सिन। तो ये दवाइयां दी जाती हैं। आपने देखा होगा। कि जब किसी भी प्रकार का स्किन का इंफेक्शन हो जाता है तो इसके अंदर बहुत ही लंबे टाइम तक इंफेक्शन रहता है बॉडी के अंदर तो ऐसी कंडीशन में यह दवा दिया जा, जाता है कौन कौन सी दवाया देंगे कॉट्रिकोस्टोरॉइड देंगे हैं, जो बॉडी की एक्टिविटीज को इंक्रीज करेंगे बॉडी के फंक्शन को इंक्रीज करेंगे एलर्जी को कम करेगी उसके बाद में ड्रग्स देंगे ड्रग्स देंगे एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारकों को रोकने के लिए और एंटीबायोटिक दवाई देंगे इंफेक्शन को कम करने के लिए तो एजेंट्स, और एंटीबायोटिक्स ये दवाइयां दी जाती है उसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले ए के अंदर करेंगे असेसमेंट और उसके बाद में बी के अंदर करते हैं नर्सिंग केयर प्लान नर्सिंग मैनेजमेंट नर्स के द्वारा किया जाने वाला मैनेजमेंट होता है जिसके अंदर उस मरीज के बारे में केयर की जाती है इंटरवेंशन किया जाता है सर्विस दी जाती है सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर असेसमेंट किया जाता है क्या क्या असेसमेंट किया जाएगा Vital sign, general health status, clinical manifestation, जिसके अंदर आदि की का करेंगे, कितना सीवियर है, क्या कंडीशन है पहले नर्सिंग मैनेजमेंट में असेसमेंट करते हैं और उसके बाद में उसका क्या करते हैं नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे उसका ट्रीटमेंट करेंगे एक्जिमा की फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे रोगी की विशेष पदार्थ के प्रति कौन सी किससे एलर्जी हो रही है फूड एलर्जी है या कुछ उस ऐसे उसकी एलर्जी है उसके बारे में पता करेंगे रोगी की हाइजन लेवल को असेस करना है, रोगी के बाथिंग स्किन का उपयोग आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं रोगी और परिजनों के डिजीज प्रोसेस के बारे में नॉलेज तथा एंजाइटी लेवल को असेसमेंट किया जाता है ठीक है तो ये बच्चों असेसमेंट किया जाता है उसके बाद में ये नर्सिंग केयर प्लान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नर्सिंग केयर प्लान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना नर्सिंग केयर प्लान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है देखिएगा नर्सिंग केयर प्लान के बारे में बात करें तो इसके अंदर पैरामिट नर्सिंग केयर प्लान वह केयर प्लान जो नर्सिंग नर्सिंग स्टाफ एक नर्स के द्वारा उस मरीज के ऊपर किए जाने वाली प्रक्रिया के बारे में एक प्लान तैयार किया जाता है उस बीमारी के बारे में एक प्रोस्पेक्ट बनाया जाता है क्या बीमारी है क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किस प्रकार से उसको ट्रीट करेंगे और उसका मूल्यांकन क्या होगा नर्सिंग केयर प्लान के अंदर बच्चों ध्यान रखना है नर्सिंग डायग्नोसिस सबसे पहले डायग्नोसिस बनाएंगे मान लीजिए इचिंग हो रहा है तो इचिंग एक क्या हो गया एलर्जी क्या होगी एक डायग्नोसिस हो गया उसके बाद में उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा उद्देश्य क्या होगा इचिंग हो रहा है तो उसको क्या उद्देश्य बनाएंगे इचिंग को कम करना उसके बाद में नर्सिंग इंटरवेंशन व मतलब नर्स के द्वारा क्या किया जाना चाहिए क्या किया जाएगा उसके बाद में इवेलेशन उसका मूल्यांकन क्या निकलेगा ये इंपॉर्टेंट है बच्चों ध्यान रखना अब इसके अंदर सबसे पहले नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करें एक्जिमा के अंदर रिलेटेड डिजीज प्रोसेस एक्जिमा के अंदर इचिंग हो रहा है खुजली आ रही है ये क्या बनाया एक डायग्नोसिस बनाया अब इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या होगा रोगी को खुजली से आराम दिलाना केयर प्लान के अंदर बच्चों इस प्रकार से केयर प्लान बनाते हैं सबसे पहले इस प्रकार से बॉक्स बना देना है उसके बाद में नर्सिंग डायग्नोसिसन ये एक दो तीन चार ये तीनों चारों पार्ट है उसको एक साथ में चलाना है अब इसके अंदर डायग्नोसिस इचिंग बना दिया खुजली होना उसके बाद में रोगी रोगी को खुजली में आराम दिलाना ये क्या हो गया ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव हो गया उद्देश्य हो हो गया, हो गया। इस प्रकार से करना है जब ऑब्जेक्टिव बन गया है कि इस इचिंग को कम करना है, खुजली को कम करना है तो नर्सिंग इंटरवेंशन मतलब एक नर्स के द्वारा एक हेल्थ पर्सन के द्वारा उसके ऊपर क्या कार्य करेगी नर्स सबसे पहले रोगी को प्रतिदिन अच्छी तरह से बात लेने की प्रेरित करेंगे उस मरीज को करेंगे स्नान करना है डेली गर्म पानी के के द्वारा स्नान कर सकते हैं नहाने के लिए हॉट वाटर के स्थान पर वाम वाटर का यूज करें क्योंकि हॉट वाटर वासोडाइलेटर कर खुजली को बढ़ा सकती है गर्म पानी यूज करना है ठंडा पानी से क्या होगा एक वर्ड आया है वाशोडाइलेटर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द ऑलरेडी एलर्जी कंडीशन मरीज को ऑलरेडी एलर्जी है इचिंग है खुजली है ऐसी कंडीशन के अंदर ठंडे पानी से स्नान करने के लिए बोलेंगे तो जो ब्लड वेसल्स है जो कैपिलरीज है वो वास्तो कॉन्ट्रिक्ट होगी क्या लिखा हुआ है वास्तो डायलेटर हॉट वाटर सो डायलेटर कर खुजली को बढ़ा सकती है अच्छा इसके अंदर लिखा हुआ के लिए हॉट वाटर के स्थान पर वाम वाटर का यूज करें ज्यादा गर्म नहीं करना हॉट का मतलब होता है गर्म वाम का मतलब होता है थोड़ा सा गर्म है ना गुनगुना पानी बोल सकते हैं यदि ज्यादा गर्म वाटर पानी किया हॉट वाटर किया ऐसी कंडीशन में वासो डायलेटर होगा ब्लड वेसल्स जैसे गर्म सीज से कोई भी एक तो होता है कोल्ड एप्लीकेंट, एक होता है हॉट एप्लीकेंट, ठंडा कोई भी पदार्थ जैसे आइस पैक लगाएंगे ब्लड वेसल्स होती है उसका क्या होगा कॉन्ट्रिक्ट होगा संकुचित तो होगी जब वास्तव डायलेटर की कंडीशन होती है जैसे गर्म कोई भी सेक किया जाता है ऐसी कंडीशन में ब्लड वेसल्स का क्या होगा डायलेटर होगा ब्लड वेसल्स वेसल्स डायलेटर होगी जिसकी वजह से एलर्जी हो सकती है तो वार्म वाटर यूज लेना है बच्चों ध्यान रखना है उसके बाद में नहाने के तुरंत बाद स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ रखने के लिए इमोलिएंट का यूज करना है सॉफ्ट पदार्थ का यूज करना है इमोलिएंट यूज करना है रोगी को नाखून छोटे रखने के लिए प्रेरित करना है क्योंकि खुजली करते समय स्क्रेश कर सकता है उसके बाद में नहाने के लिए ड्रेन्क्स ऑफ के स्थान पर सुपर फेटेड सॉफ्ट जैसे डव का साबुन यूज करना है रोगी को धुले हुए स्वस्थ कपड़े ही पहनने के लिए सलाह देना है रोगी को काल कूल कंफर्टेबल तथा 45 से 55 फाइव ह्यूमिडिटी वाली एनवायरनमेंट प्रदान करना है तो ये इचिंग की कंडीशन में ये इतनी प्रकार की प्रक्रिया करते हैं जिसकी वजह से क्या मूल्यांकन निकलता है रोगी में खुजली चलना कम हो जाता है अब इतनी प्रकार की प्रक्रिया करेंगे तो क्या होगा इचिंग कम होगा कि नहीं होगा होगा उसके बाद में दूसरा डायग्नोसिस है स्किन की इंटेग्रिटी को बाधित होना जिसके अंदर क्या लिखा है? एम्पेड स्किन इंटेग्रिटी रिलेटेड इचिंग पेपुल्स वेसिकल्स एंड ड्राइनेस तो ऐसी कंडीशन में त्वचा का नॉर्मल इंटेग्रिटी को बनाए रखना रोगी को स्किन को क्लोज ऑब्जर्वेशन करते ऑब्जर्व करते असेसमेंट करते प्रतिदिन की तरह अच्छी तरह से डव साबुन से उपयोग करते हुए वार्म वाटर से नहाने की चला देते स्किन को मुलायम कॉलम रखने कॉमल रखने के लिए इमोलेंट का यूज करें खुजली से रिलीफ दिलाने के लिए डॉक्टर के आदेश के अनुसार एंटी स्टेमिन दवाइयों का यूज करते रोगी को कार्य तथा सेन स्थल का एनवायरमेंटल कूल कंफर्ट वेल वेंटिलेट ह्यूमिडिटी युक्त होना चाहिए डॉक्टर के अनुसार टॉफिकली कॉर्टिकोस्ट्रॉइड ड्रग्स बीटा मेथासोन हाइड्रोकोर्टिसोन आदि का यूज करने के लिए बोलते हैं रोगी को अफेक्टेड स्किन को ट्रोमा से बचाने के लिए सलाह देते हैं ऐसी करने से क्या होगा रोगी की स्किन की इंटेग्रिटी बनी रहेगी उसके बाद में सेल्फ केयर रिलेटेड स्वेलिंग आदि रोगी को खुद की पर्याप्त देखभाल करने के लिए क्या करना होगा Ability को assessment करना, रोगी की दैनिक जीवन की गतिविधियां जो एक्टिविटीज ऑफ डेली बोलेंगे रोगी की स्वयं की देखभाल करने और पर्सनल हाइजिन का ऑप्टिम लेवल बनाए रखने के लिए सक्षम हो जाता है ठीक है उसके बाद में डिस्टर्बेंस इन सेल्फ केयर

जिसकी वजह से पेपल्स का फॉर्मेशन रेसेस का फॉर्मेशन हुआ है स्किन डिस्टर्ब हो गई है ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा रोगी से अपनत्व की भावना के साथ वार्तालाप करें इग्नोर नहीं करें परिजनों और उनके रिश्तेदारों को पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की सलाह दें रोगी को समझाएं कि अन्य बीमारियों की तरह यह भी एक बीमारी है जिसकी पूरी तरह से इलाज संभव है रोगी को अपने परिजन तथा देखभाल कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए प्रोत्साहित करें रोगी और परिजनों को समझाए कि प्राय एक्जिमा एक संक्रामक बीमारी नहीं है रोगी को रिएश्योर करवाए साइकोलॉज सपोर्ट प्रदान करें और उसे डाउट को फ्रेंडली वे में क्लियर करें ठीक है तो इस प्रकार से साइकोलॉज सपोर्ट उसके दिमाग में अंदर एंजाइटी है इस प्रकार हो गया है क्या होगा मेरा इमेज सारा खराब हो गया स्किन खराब हो गई है तो ऐसी कंडीशन में क्या करें ये साइकोलोज सपोर्ट देते हैं उनको बताते हैं सारी बात उनको बताते हैं रोगी में बॉडी कंडीशन तथा उनमें दिए जा रहे ट्रीटमेंट के प्रति सकारात्मक सोच डेवलपमेंट हो जाती है उसके बाद में नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस डिजीज प्रोसेस के संबंध में रोगी के नॉलेज लेवल को इंप्रूवमेंट करना नॉलेज इंप्रूवमेंट करना उनको उस बीमारी के बारे में बताना कि ये बीमारी है ठीक हो जाएगी पहले जैसी कंडीशन आपका स्कैन हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा नॉलेज को बताना है रोगी के डिजीज प्रोसेस के बारे में नॉलेज लेवल को को करना, रोगी पर्याप्त बनाए रखने की सलाह देना रोगी के डिजीज के कारण ट्रीटमेंट उसके प्रोग्नोसिस के संबंध में प्रश्नों को इग्नोर नहीं करना उन्हें धैर्य के साथ में सुनकर उत्तर देना रोगी को इरिटेंट तथा नॉलेज एलर्जेंस से दूर रहने की सलाह देना चिकित्सक के परामर्श अनुसार सभी समय पर उपयुक्त तरीकों से लगाने की सलाह देना रोगी को अच्छी तरह से स्नान करने का यूज करने प्रो प्रोफाइल एक्सिस एंटीबायोटिक लेने निर्धारित समय पर फॉलोअप विजिट करने की सलाह दी जाती है जिससे क्या होगा रोगी का डिजीज प्रोसेस के संबंध नॉलेज लेवल बढ़ जाएगा ठीक है तो ये एक पांच प्रकार के अपने नर्सिंग केयर प्लान के अंदर डायग्नोसिस बनाए और उस डायग्नोसिस के अंदर ऑब्जेक्टिव बनाए ऑब्जेक्टिव के बारे में ऑब्जेक्टिव के बाद एक नर्सिंग इंटरवेंशन किया और नर्सिंग इंटरवेंशन के बाद में क्या किया उसका मूल्यांकन किया सभी प्रकार की बीमारी का सभी प्रकार की बीमारी का नर्सिंग केयर प्लान आप बना सकते हो बार बार पढ़ोगे तो आप नर्सिंग इंटरवेंशन देखो डायग्नोसिस क्या दिक्कत है डायग्नोसिस उस पर्सन को क्या सिम्टम देखने को मिल रहा है मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए एक पर्सन है उसको सांस लेने में तकलीफ है डिफिकल्टी ऑफ द ब्रीथिंग कंडीशन ये तो डायग्नोसिस हो गया उसका ऑब्जेक्ट क्या करेंगे सांस लेने में दिक्कत हो रही है उसको कम करना नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे दवाइयां देंगे ऑक्सीजन लगाएंगे कंफर्टेबल पोजिशन देंगे यही तो करेंगे सपोर्ट देंगे और उसके बाद में मूल्यांकन क्या होगा जब ऑक्सीजन लगाएंगे ऐसी मूल्यांकन ये होगा कि उसको सांस में होने वाली तकलीफ को कम किया ठीक है ना इस प्रकार से सभी प्रकार की बीमारियों का डायग्नोसिस बच्चों आप कर सकते हो नर्सिंग केयर प्लान बना सकते हैं ठीक है बस आपको रूटीन में हमेशा याद रखना होगा पढ़ना होगा तो आज इतना ही धन्यवाद